ब्रिज क्या चले देखिए अभी से डर गई। अभी मेरे साथ कोई दुर्घटना होता उसकी जिम्मेदारी ये है। दो घंटा लेट की चलो क्या बोला तूने? गिफ्ट तो छोटा हो या बड़ा हो गिफ्ट गिफ्ट होता है। हाँ तो गिफ्ट में हमको एक फॉर्च्यूनर मिल जाना चाहिए। क्या हाल चाल गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग कुछ अलग है, बहुत अलग है, मतलब क्योंकि आज जो आप देखते हैं हमारे रील में जो लड़की रहती है, जो प्यारी सी लड़की रहती है, हम उसी से मिलने जा रहे हैं और उसका शूट करने जा रहे हैं भाई। क्योंकि अब व्लॉग अब रेगुलर वीडियो में वो भी रहती है तो उसके साथ व्लॉग भी अब रेगुलर बनना चाहिए क्योंकि व्लॉग बहुत दिन से छूटा हुआ है। तो उसी का वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं। अब उनके क्या क्या नखरे रहते हैं, क्या क्या बोलती है, क्या करवाती है भाई, सब चीज़ आप खुद देख लीजिएगा भाई। बहुत नखरे हैं मैडम के। अभी नाम रिवील नहीं करेंगे भाई क्योंकि नाम अगर मेरे आप रील देखते हो तब तो भाई आप समझ गए होंगे कि उसका नाम क्या है। तब तो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे कि उसका नाम क्या है, पूछने का ज़रूरत ना हमको बताने का ज़रूरत। लेकिन जो सस्पेंस में है, जो नहीं देखे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए, आपको ही पता चल जाएगा। लेकिन जो सस्पेंस में रहना चाहते हैं भाई उनके लिए सस्पेंस ही ठीक है। फिलहाल मैडम जी बहुत इंतज़ार करेंगे, गुस्से में तो अलग होंगे भाई। देखिएगा हम बता सकते हैं कि वो जाएंगे तो मारेंगे ज़रूर। पहले मैडम जी के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा भाई कि मैम पहले आप वीडियो शूट कराएंगी या फिर आप पहले कुछ अलग और डिमांड करेंगी। मैडम का जो डिमांड होगा भाई वो पूरा करना पड़ेगा क्योंकि मैडम अब बोली है मेरे साथ भी व्लॉग बनेगा, मतलब बनेगा, हम व्लॉग में आएंगे। तो हम बोले ठीक है जैसा आप बोलिए सरकार। अब मैम लोग का बात कोई टाल पाया भाई? ना हम आप ना हमारे कोई भी नहीं भाई, बड़ा बड़ा आदमी नहीं टाल पाया तो भाई हम क्या हैं। तो हम मैडम जी प्रेमिका के लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। एक बार साइड में लगा देते हैं बाइक छाँव में थोड़ा और फ़ोन किया जाए। ब्राइटनेस बहुत कम है भाई, नंबर ना देखना है, नंबर ब्लर हो जाएगा भाई। बाबा उठा ले। लीजिए फोन ही नहीं उठा रही हैं आप। हेलो कहाँ है मंगरू जी, मैडम जी? हाँ एक मिनट आ रहे हैं। एक मिनट समझे कि आधा घंटा समझे? 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट हो गया एक मिनट से। 5 मिनट में समझे कि हम 2 घंटा समझे? ठीक है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। तो जैसा कि अब आपको दिख रही होंगे ये हरा हरा सूट में। हाय हाय इतना सुकून। प्रेमिका को प्यार को भी आइए मैडम प्रणाम। हाँ ये कर लो पहले। क्या क्या टाइम पे नहीं आए? क्या है टाइम पे हम आए हैं एकदम पूरा पूरी टाइम पे। दो घंटा लेट किए। चलो क्या बोला तूने? 3 घंटा लेट किए बोले थे ना कि आएंगी तो 10 बजे हाँ सुना देंगे, मारी नहीं है लेकिन लगता बढ़िया मूड में। चलो अभी मतलब आगे चल के मार है क्या भाई? मतलब आगे का सीन बहुत खतरनाक है भाई, मारने वाली है। पहले कहाँ चले मैडम, आपके शूट लोकेशन पे कि पहले कहीं और? आप बताइए घूमने से मतलब? आप बोले शूट कराना है। हाँ तो शूट आप जहाँ करिएगा वहाँ शूट करेंगे। कहाँ शूट करना है? मल्लेपुर तरफ नहीं जाएंगे भाई, उधर भाई भारी चेकिंग है। मोहिनी सुरागिनी सवेरे तो है, क्या है अभी 10 बजा है। क्या पहले कुछ खाना पसंद करेंगी? क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया अभी आपके चलते। तो हम अकेले कैसे खा सकते हैं भाई, हमको पाप थोड़े लिखा हुआ है। कुछ तो खा लो, समथिंग लिटिल बिट। क्या खाओगी? हम तो कुछ खाएंगे ना पहन, क्या खाएंगे अभी? वाह 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 सुन लिए लौकी खाएंगे। छोटी बच्ची हो क्या?
हम पिएंगे अपना बिहार का सत्तू। उतरो, बिहार का सत्तू पिएंगे। उतरो, तुम पिएगी भैया एक गिलास? हाँ हाँ, कितना का है बड़ा वाला? बना दीजिए भाई, सत्तू पिएंगे भाई, सत्तू। समझी समझी मैडम जी, सत्तू सबसे बेस्ट ड्रिंक है हमारे बिहार का, क्या समझी? है ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ जी। तो सत्तू हमारा बन के तैयार है भाई, अब उसमें जाएगा प्याज, क्या क्या मसाला, जो ही टेस्ट लगेगा भाई, नींबू। हाँ पी लेती सो, नहीं पीना है ना, छोड़िए भाई, हम ही लोग पी लेते हैं भाई, ये लड़की का मुंह नहीं है सत्तू का, देखिए ही सत्तू, पी लो थोड़ा सा, थोड़ा ना, एक घोट, एक सिप मारो, अरे एक सिप मारो ना, अरे छोड़ो छोड़ो, पी लो, छोड़िए वो नहीं पिएगी भाई, हम ही पी लेते हैं। तो सत्तू का कोटा पूरा हुआ भाई। मैडम अब चले सूट पे, कि और घूमना है? कहाँ पीना है? चाय, पहले चाय पीजिएगा। कहाँ पे? पिछले बार तो चाय कुटीर में पिए थे। कहाँ जाइएगा बोलिए आप? घूम के आते हैं आगे से, चलिए। ओ हे भाई, नया सीन हो गया, पैसा ही नहीं दिए भाई। हाँ ये कर लो पहले। वाह 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 आनंद बाइकर, वाह राहुल सिन्हा, वाह, ये तो प्रैंक हो गया। माफ कीजिए भैया, ध्यान नहीं रहा। मैडम और आगे थोड़ा सा, पत्नी स्वर वहाँ मामू दिखा, रोटेट दे लेंगे। अरे बाबू इलेक्शन है भाई, नहीं जा पाओगी, परेशान हो चुकी हो ना। जय जय काली माता। ये हमारे खूबसूरत सा जम्मू का आन बान शान, मलयपुर का काली मंदिर, जय काली माँ। यहाँ से घुमा लेते हैं, यहाँ भाई कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए हम अंदर लेके जा नहीं सकते भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन रहता है भाई हमेशा से, और रहना भी चाहिए। आप देख सकते हो भाई, काली माँ यहाँ पे विराज रही है अंदर, अभी पूजा चल रहा है। जय काली माता, मिलते हैं, आते हैं दरबार में आपकी माँ दोबारा से। अभी फिलहाल ये छोटी सी बच्ची मेरे साथ है, इसीलिए अभी नहीं आ पाए हैं अंदर, कैमरा भी ले जाए नहीं देगा। देखिए 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 क्या करती है, देखिए करो तो बाबू। नहीं करेगी, यही करती है, पीछे बैठती है, चुट्टी काटना है, मुक्का मारना है, बाल खींचना है, हेलमेट इधर उधर करना है, बस इनका यही काम है। देखिए हाथ देखिए कितना प्यार से, हाथ देना बेटा, मैडम हाथ दीजिए, वाह देखिए हाथ के सेब, देखिए सिर्फ कहाँ मेरा हाथ, देखिए खुद चोट लग रहा है हाथ का, मैच नहीं, हाथ का फिर से दिखा दो भाई, हाथ का मैच नहीं है देखिए, लेकिन मार, हाँ मारपीट बहुत है, देखिए हाथ का मैच देखिए आप, छोटी बच्ची हो क्या, लेकिन मारपीट बेजोड़ चलता है, मारपीट में कमी नहीं होना चाहिए भाई, मार पूरा खा लेते हैं। तो अब आप सीधा, आप सीधा चले जाए सूट पे, हाँ जोर से जोर से चला जाए पार्क में, आपका सूट कर देते हैं, ठीक है? कितना वीडियो बनाइएगा? तीन, चलिए थोड़ा रफ ड्राइविंग का मजा लीजिएगा, रफ ड्राइविंग का, रफ ड्राइविंग का मजा लीजिएगा, रफ ड्राइविंग, हाँ क्या समझे उसका मतलब? यस चलिए, तीर्थ मानो भाई, ये रफ ड्राइविंग भाई इससे ज़्यादा हम डर जाएंगे भाई, क्योंकि हमको आदत नहीं है, प्लस हमारे कुछ चाहने वाले घर वाले, इनफैक्ट हमारे माँ पापा भी देखते हैं, तो उनको भी बुरा लग सकता है, इसीलिए हम ज़्यादा रफ ड्राइविंग नहीं करते भाई, और गलत बात भी है, रफ ड्राइविंग नहीं करना चाहिए भाई। फिर भी ये थोड़ा सा है ब्रिज, क्या चले
देखिए अभी से डर गई। छोड़िए धीरे ही 56-60 पे हाँ थोड़ा सा स्पीड चले। हर तरह का बात है भाई, स्पीड चलो धीरे चलो, स्पीड चलो धीरे चलो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आजकल सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर एक लड़का, जवान लड़का और जवान लड़की 18+, 18 से नीचे बना रहे तब आप मना कर सकते हैं। 18+ जो सहयोग अपने में आ चुका है, जवान हो चुका है, उस चीज़ को आप मतलब देख सकते हैं कि अगर आप लड़का लड़की बना रहा है तो आदमी ऐसा दिखेगा जैसे कि वो बाप रे किसी राक्षस के साथ या किसी वैश्या के साथ या कोई भी आवारा लड़का एक उसके साथ बना रहा है, ऐसा चीज़ होता है भाई यहाँ पे। अब हम आ चुके हैं पार्क। मैडम जी जाइए टिकट लीजिए, सब हम ही कितना करेंगे। जाइए ना, आपसे अभी सवाल पूछेंगे बहुत सारा। टिकट 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 ये टिकट भाई आप आइए चिल्ड्रेन पार्क। 5-5 रुपये टिकट लगेगा, इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ मार के पीछे पैकेट में रख लीजिए। आज तो बहुत खाली है पार्क यार। हाँ कहाँ पे प्रेमिका को तीन थे मानो बनाओ वीडियो फटाफट। अबे हम तो बैग लाए ही नहीं साला। कोई दिक्कत, मेरा अपना जिसमें स्टैंड रखे थे जरूर है भाई। एक दिन भूलने की आदत हमको ले डूबेगा भाई। यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं, हटाते हैं, उसके बाद मैडम का सूट करेंगे। छोड़िए हाथ से बनाना पड़ेगा, रुकिए थोड़ा सा स्टॉप करके उसके बाद फिर से चालू करते हैं। बैठ चुके हैं भाई, देखो हेलमेट यहाँ, मैडम यहाँ। क्या मैडम, अब जल्दी जल्दी देखिए, रील देखिए, रील बनाने के लिए कोशिश कीजिए। 2 मिनट तुम रील भेजो, क्या क्या चीज़ आएगा बस ऐसे देखते रहिएगा। अभी क्या क्या चीज़ बोलेगी। आईफोन रखी हुई, आईफोन 13 भाई हमको नसीब में है। अभी हमको कब मिलेगा भाई आईफोन 13। मम्मी तो बोली थी खरीद लो, खरीदे दिन दो दहेज में, कुछ गिफ्ट दे दो। दहेज नहीं मिलेगा। अच्छा गिफ्ट, गिफ्ट नहीं मिलेगा, दहेज नहीं मिलेगा गिफ्ट। तो गिफ्ट तो छोटा हो या बड़ा हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है। हाँ तो गिफ्ट में हमको एक फॉर्च्यूनर मिल जाना चाहिए। हम तुमको पता है हम तुमको कौन सा फोन देंगे, चल छैया छैया वाला फोन लोगे। क्या बोला तूने? ना ना गिफ्ट में को फॉर्च्यूनर, चल छैया छैया वाला फोन लोगे। बोलो हां, चल छैया छैया वाला फोन लोगे। हम सब फोन लेंगे। हां लोगे ठीक है, फोन से मतलब है बस, इसको बेचने में पैसा है। तुमको गिफ्ट, हमको आने में खराब लग जाएगा। एक उंगली चूज करो। हां एक उंगली चूज करो, ये फंस गया सी है, गड़बड़ी है भाई लोग देख लीजिए। अभी मेरे साथ कोई दुर्घटना होता है उसका जिम्मेदार ये है। आप क्या करना है बोलो। मिडिल वाला तो चूज़ हम करेंगे ना, दैट इज़ ए नॉटी फिंगर, उसको चूज़ करेंगे नहीं हम। हम चूज़ करते हैं ये। पक्का? हाँ बाय। अभी मेरा जान में कुछ खतरा होगा उस जिम्मेदार ये लड़की। अभी हम पूछने वाले उसका मतलब क्या था, क्या हुआ भाई? सर सर सर, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा क्या था, क्या सर रुचि? कैमरा बंद हो गया। कैमरा बंद खुला छोड़िए, था क्या उन बताइए आप। क्या था सर, इस उंगली का मतलब था क्या? व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस उंगली? तुम जान, तुम कहाँ चले? अभी तो उंगली सेलेक्ट करने बोली। क्या हुआ इसके मतलब, कुछ बताओगी? देखो भाई देख लीजिए, पूरा पत्ता भी हिल रहा है डर से। खेल देख लीजिए, इसके खौफ है खाली लड़की का। अभी क्या बोल देगी भाई, का कोई ठीक नहीं है, पूरा खौफ में अभी है। क्या है भाई इसका मतलब? हाँ तुम 3 गो शादी करोगे? क्या क्या तुम 3 गो शादी करोगे? क्या बोला तूने? देखे ना हम क्या बोले, क्या था फिर से बोला जरा। उसका मतलब था, हम बताते हैं आपको, मेरा बाल भी पूरा बिखर गया। उसका मतलब था वो उंगली का कि हम 3 शादी करेंगे, इसका मतलब था, सिर्फ इसका मतलब। छोड़ी बच्ची हो क्या? 10:30 बजे अच्छा इसका मतलब, इसका मतलब क्या था तब, सबको बता दो। 2 बीवी इसका मतलब, 2 बीवी हाँ ये कर लो पहले। हाँ इसका मतलब 3 बीवी इसका मतलब था एक हम होते हम, इसका मतलब 3, इसका मतलब 2 था। बस इसीलिए वोमेन लोग के लिए बना वोमेन।
हम क्या बोल सकते भाई, हम मतलब इसको कुछ कर भी नहीं सकते भाई, इतना प्यारी सी है, इसको कुछ कर भी नहीं जा सकता है। देखिए चलो जल्दी ले, देखो ना थोड़ा सा रील बनाएंगे, रील बना घर निकलेंगे, 12 बजने वाला है, 12:10 हो गया। हाँ तो मैडम आपके कारण लेट हो रहा है, जल्दी से बनाइए, घर निकल जाएगा, घर भी आपको छोड़ना है। तब तक आप देखिए, अब रील बनेगा इसका, आप देखिएगा मैडम का पोज। मेरा तो पूरा भाई एकदम बाल ताल मुँह कान सब बिगड़ गया है, सिर्फ क्योंकि अभी चल रहा है क्या कहते हैं पतझड़ का मौसम और धूप भी है, सनस्क्रीन भी लगाएं, सनस्क्रीन उससे भी कुछ नहीं होने वाला भाई, पूरा काला पड़ गया। क्या सनस्क्रीन? सनस्क्रीन मतलब धूप का क्रीम, धूप का क्रीम मतलब लोग उसको नहीं बनाया, धूप बनाया। सन से वो प्रोटेक्ट करता है, धूप से ना प्रोटेक्ट करता, नहीं तो इंसान करिया हो जाएगा। हम हो गए करिया, तुम्हारे चलते करिया हुआ, अभी मेरे मुंह पे सनस्क्रीन लगा हुआ भाई, इसीलिए हम काला दिख रहे हैं, जो बात है। करिया हो नहीं गए हो, हम करिया थे, यही ना? नहीं है, हमको सिस्टम तुम्हारे मुंह से सुन सुन के इरिटेट। ठीक है भाई, हम सिस्टम नहीं बोलेंगे। जय श्री राम। हां गुड। राधे राधे। राधे राधे। हाथ मिलाओ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम। सीताराम। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय सीता मां। पहले बोलो जय बजरंग। जय बजरंगबली। बागेश्वर धाम की जय। हां बागेश्वर धाम की जय और हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए धन्यवाद, अब जल्दी से रील बनाइए। हर हर महादेव। हाँ घर घर महादेव। घर घर महादेव। चलिए जल्दी से रील बनाइए, अब रील बनाइए फटाफट, थोड़ा सा BTS देते हैं लोगों को जो देख रहे हैं हमारे, उसके बाद फिर ये है देखिए, यहाँ प्यारा प्यारा लोकेशन है भाई, हमारा पार्क भी जमुई विकसित हो गया, एक नंबर नंबर लोकेशन यहाँ पे, थोड़ा सा उसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं रील इसका, उसके निकला जाएगा। थोड़ा सा आप देख लीजिए सिर्फ रील शूट करने का, BTS जिसको कहता है। तो भाई देखिए शूट हो चुका है स्टार्ट, लास्ट में बहुत सारा नखरा झेलने के बाद अब मैडम करेंगी यहाँ पे शूट, अब यहाँ आपको दिखाते हैं कैसे कैसे स्लो मोशन यहाँ पर होगा, हम भी स्लो मोशन इस पे करके आपको दिखा देंगे। चलिए मैडम 1 2 3 चलिए, क्या क्या करना नहीं पड़ेगा। यही सब करना पड़ता है बस, यहाँ पे मैडम स्लो मोशन कर देंगी, हो गया। क्या बताएं, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी मास्क में ही दिखेगा भाई, ज़्यादा अभी सस्पेंस बना रहना चाहिए, लेकिन जो इंस्टाग्राम से हमारे भाई बहनों हैं वो तो हमको पता है भाई, वो तो फॉर श्योर जानते ही हैं, तो जानिए प्यार दिखाइए कि आपका शहर का लड़का एक बहुत ही आगे जाएगा, अब शहर का नाम ही रोशन होगा भाई, लोग सपोर्ट करता है तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं भाई। भाई देख लीजिए यही होता है BTS सूट, इधर तरह से मोबाइल, एक तरह से ये मैडम का बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है, और नहीं अच्छा एडिट हुआ ना तुमसे तब तुमको बताएंगे हम, ऐसे का एडिट होना चाहिए क्या समझिए, देखो एक तरह से मेहनत, इधर से हम मुंह से बोल रहे हैं। इसका वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब इंस्टाग्राम मानवी केसरवानी 13, क्या आईडी बता दूँ, झूठ का प्रमोशन हो जाएगा तुम्हारा ना करेगी, बहुत अच्छी बच्ची समझते हैं, कभी हमसे नहीं करवाई, जानती है कि है मेरा क्या बोले इसको पता है कि मेरा अच्छा खासा फॉलोवर है, भगवान दया से, लेकिन कभी हमको लड़की बोली नहीं है कि भाई मेरा प्रमोशन तुम कर दो, कभी भी कभी नहीं बोली, अपने दम पे बढ़ती है बेचारी बच्ची मेरी, एकदम बहुत ही होशियार होनहार है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। तो मैडम जी का वीडियो हो चुका पूरा, मैडम जी एक दो फोटो खिंचाएंगे, चलो जल्दी से 1 2 पोज बदलो, 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो। गजब तू भी आ जाती है। तो भाई हो चुका है सूट कंप्लीट, मैडम जी अब हो गई हैं खुश, हो गया ना कंप्लीट, अब हो गया ना, चलिए धन्यवाद, बोलिए शुक्रिया, ऐसे कीजिए, ये क्या ब्रो कोड, ब्रो हो तुम? ओके ओके, आई एम योर सिस्टर, यू आर माई ब्रदर, ओके थैंक यू सो मच। क्या आपने सूट इंजॉय किया? ठीक है तो तो व्लॉग में आ रही हो तुम भाई, व्लॉग आने में खुश हो ना? बोल दीजिए ऑडियंस को, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं बोलेगी, अपना लड़की लोग एटीट्यूड होता है ना, कुछ नहीं बोलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्या फिर से क्या करना है, लाइक और बोलो, मैं फिर से बोल दे एक बार, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ चलिए छोड़िए हटाइए, आपको वीडियो पसंद आया और मैडम के साथ इसी तरह वीडियो आते रहेगा, खूबसूरत सी मैडम है, वीडियो आते रहेगा, तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आने वाला अभी कुछ दिनों में और एक नंबर नंबर वीडियो आने वाला, तब तक के लिए मार खाते हैं हम, तब तक आप लोग वीडियो एंजॉय करके लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।